दोस्तों, हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी तो आप सबने जरूर देखी होगी। अगर देखी है तो इस फिल्म का एक सीन आपको जरूर याद होगा, जिसके दम पर ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। इस सीन में आमिर खान ने करिश्मा के साथ जमकर लिप लॉक किया था। इस सीन ने फिल्म में जबरदस्त तड़का लगा दिया था, लेकिन इस सीन के पीछे एक बड़ा राज भी छुपा हुआ था, जो करिश्मा कपूर ने काफ़ी समय बाद खोला, जिसमें करिश्मा ने आमिर खान के बारे में खुलकर बातें की थी। दोस्तों, आप भी अगर ये राज जान लेंगे तो आमिर खान जैसे कलाकार से नफरत करने लगेंगे। दोस्तों, फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में रिलीज हुई थी और साल की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। 20 हफ्तों तक लगातार थिएटर में चलने के बाद भी दर्शकों की ये मांग थी कि फिल्म को थिएटर से न उतारा जाए। तो दोस्तों, फिल्म में आखिर ऐसा क्या था जो दर्शकों को बार बार थिएटर तक खींच कर ले जाता था? इसे लेकर फिल्म की मुख्य अभिनेत्री रही करिश्मा कपूर ने कुछ राज खोले हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश ने फिल्म बनाने में जी जान लगा दी थी। करिश्मा कपूर से पहले फिल्म के लिए जूही चावला और ऐश्वर्या राय को कास्ट किया जाना था, लेकिन इन दोनों के मना करने के बाद ही करिश्मा कपूर को फिल्म के लिए साइन किया गया। इसके अलावा करिश्मा कपूर ने आमिर खान को लेकर जो बताया, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर आमिर जैसा कलाकार ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। इस फिल्म में जो किसिंग सीन किया गया था, उसे करते हुए आमिर खान काफी घबरा रहे थे, क्योंकि ये लिपलॉक वाला सीन कुछ ज्यादा ही लंबा था, लेकिन डायरेक्टर के समझाने के बाद आमिर खान ये सीन करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये सीन करने से पहले आमिर खान ने एक पूरी बोतल चढ़ा ली थी और उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान रह गए थे, क्योंकि बॉलीवुड में आमिर खान की छवि साफ सुथरी रही है। आमिर खान का इसके बारे में कहना था कि उन्होंने अपने डर और शर्म को खत्म करने के लिए ऐसा किया था, ताकि वे इस शूट को अच्छे से कर सकें। आमिर खान और करिश्मा कपूर का ये सीन बॉलीवुड का सबसे लंबा चुंबन सीन था। तो दोस्तों, आमिर खान की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।